हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? चलिए, क्लास 12 के हम लोग वकैब वाला चैप्टर जब खत्म कर चुके हैं, वकैब का सेशन खत्म कर चुके हैं, और अब शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पैराग्राफ। क्या करेंगे हम लोग? डेली डिस्कस करेंगे, अगर हो सकेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पर डेली डिस्कस करेंगे, और जो भी समस्या होगी, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर पूछिएगा। पैराग्राफ यहाँ पर समझाना संभव नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा तो कोर्स पीछे हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि 4 नंबर का आता है, मैंने पहले दिन ही बता दिया था। तो आगे देखते हैं, वेयर क्वेश्चन नंबर एट, वेयर वाज द राइटर गोइंग। पहली बात तो आपको क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे, अच्छे से आंसर कर पाएंगे, है ना। जब आपको मीनिंग पता होगी तभी तो आप उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे, तभी तो उसका अगर मतलब ही नहीं समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है ऊपर, तो कैसे आंसर लिखेंगे भाई। रटने से काम नहीं चलता है, हर चीज़ रटी नहीं जा सकती, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझना है, समझना ज़रूरी है, रटना तो ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें हैं, तो हर एक चीज़ रटी नहीं जा सकती। ये आपको अपने दिमाग में एक माइंडसेट कर लें कि हर एक चीज़ रटी नहीं जा सकती, ठीक है। तो उसको जब काम चल रहा है समझदारी से, तो रटने की क्या जरूरत, दिमाग में भूसा भरने की क्या जरूरत, समझ के पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, रट के पढ़ेंगे तो ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो वेयर वॉज द राइटर गोइंग, राइटर जा कहाँ रहा था, राइटर कहाँ जा रहा था, तो मैंने पहले दिन ही कहानी के रूप में बताया था कि राइटर कहाँ जा रहा था। द राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम डेली टू बरेली बाई ट्रेन। राइटर जा रहा था दिल्ली से बरेली वाया ट्रेन से, उसके बाद उसे कहाँ जाना था, फ्रॉम बरेली से उसे जाना था, ही हैड टू गो टू रानीखेत बाई कार। उसे रानीखेत जाना था, बरेली से रानीखेत जाना था, किसके द्वारा, कार के द्वारा। ये इसका आंसर होगा, आपको अब शायद याद करने में आसानी होगी, एक दो बार पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे आप रटते कि सर द राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम डेली टू बरेली बाई ट्रेन, फ्रॉम बरेली ही हैड टू गो टू रानीखेत बाई कार, कई बार ऐसे कई बार पढ़ते लगातार घर पर, सर यही पढ़ते ना, द राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम डेली टू बरेली बाई ट्रेन, फ्रॉम बरेली ही हैड टू गो टू रानीखेत बाई कार, ऐसे रटा करते हैं आप घर पर तो ज़्यादा परेशान होते, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कि आपको परेशानी ना हो कोई, और आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नंबर आएँ, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, विश्वास रखिए, आपके किसी भी एक ऐसे स्टूडेंट नहीं होगा, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो 90+ नंबर न लेकर आए, ये मेरा दावा है आपसे। अगर आप ऐसे ही जुड़े रहें तो 100% आप 90+ जाएंगे। आपके हाई स्कूल में क्या परसेंटेज थे वो मायने नहीं रखता, आपके हाई स्कूल में क्या परसेंटेज थे वो मायने नहीं रखता, पिछला क्या हुआ वो आप भूल जाइए, आगे क्या करना है वो याद रखिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपने लिख भी लिया होगा, वेयर वॉज द राइटर गोइंग, द राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम डेली टू बरेली बाई ट्रेन, फ्रॉम बरेली ही हैड टू गो टू रानीखेत बाई कार। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात डिस्कस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन तो बहुत हैं, एक चैप्टर में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हैं, उन सबको नहीं देखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हीं को देखेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है कि हम क्या करते हैं, कई चीज़ों का कलेक्शन बनाते हैं, कई चीज़ें लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन बैंक लेते हैं, क्वेश्चन बैंक के अलावा बुक्स का यूज करते हैं, बुक्स के अलावा कई भी चीज़ें, अन्य चीज़ें होती हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन बैंक्स होती हैं, उनका कलेक्शन करते हैं, उनमें से क्या करते हैं, क्वेश्चन को उठाते हैं और मुझे लगता है कि ये होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन ये पूछे जा सकते हैं, ये ऐसा होगा, तो हम लोग उसी के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर्स और उनकी वकैब बताते हैं और पैराग्राफ बताते हैं। बात समझ में आई कुछ? मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन का कलेक्शन करते हैं, कोई एक बुक का क्वेश्चन नहीं होता है, वो कई बुक्स का कलेक्शन का एक क्वेश्चन निकाल कर हम लोग यहाँ पर समझाते हैं आपको, हम लोग मतलब मैं। अगला क्वेश्चन है,
वर टू वर दी चिल्ड्रन टू वर दी चिल्ड्रन चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स सेलिंग बास्केट्स बास्केट्स कौन से बच्चे थे जो बास्केट बेच रहे थे, कौन से बच्चे थे, वो कहाँ से आए थे, क्या कर रहे थे, वो बच्चे कौन थे जो बास्केट बेच रहे थे? वो बच्चे कोई और नहीं थे, वो कौन से बच्चे थे? वो बच्चे जो शरणार्थी जो वो बच्चे जो बास्केट बेच रहे थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा आपका? आंसर ये होगा कि वो बच्चे शरणार्थियों के बच्चे थे जो कहाँ से आए थे, पाकिस्तान से इंडिया में आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उन्हें ऐसा डर था, उन्हें फैनेटिसिज्म का डर था, यानी कि धर्मांधता का डर था कि कहीं वो मारे न जाएं। तो उस समय कितने लोग आए थे? लगभग 90 लाख लोग आए थे। उन्हीं के बच्चे क्या कर रहे थे? अपने लेवलहुड को यानी लालन पालन के लिए, अपने लालन पालन के लिए, अपने जीविका के लिए क्या कर रहे थे? बास्केट बेच रहे थे, बास्केट्स बेच रहे थे। सेलिंग का मतलब, सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। और एक मीनिंग और बताया जी मैंने, वेंडर। वेंडर मतलब क्या होता है? विक्रेता। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? द चिल्ड्रन। बहुत लोग इसको क्या पढ़ते हैं? वेयर पढ़ते हैं। तो ये वेयर नहीं होता भैया, वर होता है, डब्ल्यू जी आर ई वर। ठीक है, द चिल्ड्रन वर वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ टी ओ यू जी एस टी डॉटर्स ऑफ द रेफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान who had crossed over to India on the partition of the country. इसको देख लिया ना, यहाँ लिख दे of the country, of the country। तो ये क्या लिखा हुआ है? The children were sons and daughters, लड़के और लड़कियां क्या थे? रेफ्यूजीज यानी कि शरणार्थियों के बेटे थे। जो कहां से आए थे? पाकिस्तान से आए थे। कब? जब क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो यही लिखा हुआ है बस में। ये आपका क्वेश्चन था, हु वर दी चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट। वो बच्चे कौन से थे जो बास्केट बेच रहे थे? वो बच्चे वही थे जो, वो बच्चे कौन थे? द चिल्ड्रन वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द रेफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान हु हैड क्रॉस्ड ओवर टू इंडिया ऑन द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अपने जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तब वो बच्चे यहाँ पर आए थे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन खत्म, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया, अगला क्वेश्चन है आपका,
why did the refugee children descended like locust on the writer. क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बच्चे जो रेफ्यूजी चिल्ड्रन थे वो पत्थर पर एक कीड़े मकोड़े की तरह क्यों टूट पड़े। डिसेंडेंट का मतलब होता है केम डाउन, यानी कि टूट पड़ना, ठीक है। तो लोकस्ट का मतलब मैंने बताया था इंसेक्ट, है ना, तो इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े। लाइक मतलब जैसा, लाइक मतलब पसंद करना होता ही है, लेकिन एक लाइक ये होता है जिसका मतलब होता है जैसा। तो लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर, राइटर पर कैसे, आन लिखा हुआ है, आन का मतलब होता है पर, तो राइटर पर कैसे टूट पड़े वो लोग, एज अ लोकस्ट, यानी कि लोकस्ट की तरह वो किस पर टूट पड़े, राइटर पर टूट पड़े। तो ये पूछा गया क्यों टूट पड़े। तो भैया देखिए, एक तो उनकी सेलिंग नहीं हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी, उनकी सेलिंग नहीं हो रही थी, बास्केट्स की सेलिंग नहीं हो रही थी, और उन्हें देखा वहाँ पर जो लोग रहते थे उनकी आमदनी उतनी थी नहीं कि जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे वो खरीद लें वो लोग। वहाँ पे जो स्टेशन पे जो लोग रहते थे या उनके आसपास जो लोग रहते थे वो खुद इतना गरीब थे कि बास्केट कैसे खरीदे। बात समझ में रहो, तो बात समझ पा रहे हो, तो यही वजह से, यही कारण था कि ये कोट पैंट पहने हुए खड़े थे। इनको देखा बच्चों को कि ये तो यार एक लग रहा है कोई विदेशी नागरिक, जैसे हम लोग आज भी क्या करते हैं, कोई विदेशी नागरिक आता है तो उसको लूट लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दिल्ली वगैरह में देखिए, अगर कोई विदेशी जाता है, विदेशी का मतलब हम ही लोग अगर चले जाए, तो ऑटो वाले क्या करते हैं, एकदम से पैसा निकाल लेते हैं। अगर कहीं 200 रुपए में जाना होगा, अगर वहाँ का 200 किराया है तो 1000 लेंगे, अगर 100 रुपए किराया है तो 500 लेंगे, मतलब उनका रेट बढ़ ही जाता है। वैसे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बच्चे भी होशियार, ये क्या किए, तुरंत कूद पड़े किस पर, अमेरिकन नागरिक पर, और उनसे तुरंत कहा मेरे ले लीजिए क्या ले लीजिए, बास्केट्स और फैंस ले लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, खरीदा, उन्हें लगा, तो बच्चे क्यों कूदे उनके ऊपर, उनको लगा कि ये जो साहब हैं विलियम सी डगलस साहब, ये पूरे तरीके से खरीद लेंगे, ये सक्षम है खरीदने में, इस वजह से कूद पड़े। बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वो कीड़े मकोड़े की तरह एकदम से क्यों कूद पड़े उन पर, उनको लगा कि ये जो विलियम सी डगलस साहब हैं ये क्या, ये बहुत ही अच्छे पैसे वाले आदमी हैं, इन पर जल्दी कूदो और बेचो अपना सामान, इनको क्या करो, बेवकूफ़ बनाओ जल्दी से। पास में ऐसे ही, तो जब आप कहीं बाहर जाते होंगे अपने घर से बाहर, तो कई ऑटो वाले टेम्पो वाले क्या करते होंगे, आपको बुलाते होंगे, आइए सर आइए हमारे टेम्पो बैठिए, हमारे इस पर बैठिए, तो ये चीज़ दिक्कत होती है ना, तो इस चीज़ को आपको समझना है। आगे बात करते हैं हम लोग, और वाई डिड द रेफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर, तो इसका मतलब ये है, इसका वो लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा आपको, आपको समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया फिर से देखिए एक बार, फिर से देखिए, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया क्यों कूद पड़े उन पर बच्चे जो शरणार्थी बच्चे थे उन पर क्यों कूद पड़े, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। तो क्यों कूद पड़े, क्योंकि इनको लगा कि ये जो साहब हैं ये हमारी बास्केट्स खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं,
इनके पास जाएंगे, हम बेचेंगे तो हमको कुछ पैसा मिलेगा, जिसकी वजह से हम कुछ खा पाएंगे, अपने पेट का पालन कर सकेंगे, अपना लेवलहुड बना सकेंगे। इस वजह से कूद पड़े रेफ्यूजी चिल्ड्रन लाइक अ इंसेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है जनरली जनरली द रेफ्यूजी चिल्ड्रन द रेफ्यूजी चिल्ड्रन रेफ्यूजी चिल्ड्रन रेफ्यूजी चिल्ड्रन डिड नॉट कौन सा टेंस चल रहा है पास्ट डिड नॉट फाइंड इनफ बायर्स, इनफ मतलब पर्याप्त, बायर्स का मतलब समझते हैं खरीदार। ठीक है, बायर्स फॉर दियर बास्केट baskets now they find a rich American दिख रहा है ना, a rich American on the platform FORM platform। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। Why did the refugee children presented like locust on the writer? आंसर ये जनरली सामान्यता The refugee children did not find buyers for their baskets. Now they find a rich American on the platform. अब यहाँ मैं हटा दे रहा हूँ इसको, तो मैंने समझा दिया है, आंसर भी समझा दिया है, हालांकि इसको बस आपको एक दो बार पढ़ने की जरूरत है। प्लेटफॉर्म who could easily buy their wares, buy their their wares। ठीक है, hence They descended on the author, hence they descended on the author राइटर लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, राइटर हेंस दे डिसेंडेड ऑन द राइटर लाइक लोकस्ट या इंसेक्ट। ये इसका आंसर हुआ। तो इसका आंसर क्या हुआ, जनरली द रेफ्यूजी चिल्ड्रन डिड नॉट फाइंड इनफ बायर्स फॉर देयर बास्केट, नाउ दे फाइंड a rich American on the platform who could easily buy their wares, मतलब वस्तुएं। ठीक है, hence they descended on the writer like insect। इस वजह से इसका जरा मीनिंग समझ लेते हैं। लिखा हुआ सामान्यता रेफ्यूजी चिल्ड्रन को खरीदार नहीं मिले, जैसा मैंने कहा कि वहां पर खुद इतने गरीब आदमी रहते थे कि कुछ खरीद ही नहीं सकते थे, वो क्या खरीदे, वो खुद बेच रहे थे। ठीक है,
तो इस वजह से जनरली रेफ्यूजी चिल्ड्रन यानी कि जो शरणार्थी बच्चे थे उनको कोई बायर्स नहीं मिला, कोई पर्याप्त बायर्स नहीं मिले, खरीदने वाले नहीं मिले। डियर बास्केट्स फॉर देयर बास्केट, उनके बास्केट्स को खरीदने वाले कोई बायर्स नहीं मिले उनको। तो नाउ अब उनको क्या मिला, नाउ दे फाइंड ए अमेरिकन पर्सन पा गए प्लेटफॉर्म पर हु कुड ईजिली बाई डियर वेयर्स। मतलब वो अब अमेरिकन पर्सन क्या कर सकता है, उसको अच्छे से खरीद सकता है, आसानी से तरीके से खरीद सकता है। इसलिए क्या हुआ, वो उन पर इंसेक्ट कीड़े मकोड़े की तरह कूद पड़े। ये इसका आंसर है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं की बात करते हैं। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका, क्वेश्चन तो हो गया। अच्छा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, 2019 में भी पूछा गया, 17 में भी पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया और 12 में भी पूछा गया, अर्थात चार बार पूछा गया है। इट मीन्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड 4 टाइम इन बोर्ड एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि चार बार ये बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं कई बुक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए कंटेंट बहुत अच्छा है, ऐसा कंटेंट आपको कहीं दिखेगा नहीं अच्छे से। ठीक है, मेरे पास कई क्वेश्चन बैंक हैं, अवतार की है और विद्या क्वेश्चन की है, ज्ञानोदय की है और कई भी कलेक्शन है। तो इतना कलेक्शन तो आप खुद से पढ़ नहीं सकते, ये क्षमता मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि एक बुक पढ़ने में तो हालत ख़राब हो जाती है। तो ये 4-5 बुक का कलेक्शन कैसे कर पाएंगे आप, है ना। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, आप लोगों की सहायता के लिए हमने क्या किया है, कई बुक्स को मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको बोर्ड में एकदम डिटो क्वेश्चन दिखेंगे। जो क्वेश्चंस दिखा इन्हीं क्वेश्चंस में आपको देखिएगा डिटो क्वेश्चन मिलेंगे, 100% बता रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो है, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल, ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ भी है, व्हाई डिड थोड़ा बड़ा लिखते हैं, व्हाई डिड मिलियंस का मतलब समझते हैं ना, लाखों लोग, मिलियन मतलब होता है लाखों, मिलियंस ऑफ पीपुल लीव का मतलब समझते हैं छोड़ना, लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया अपने देश। देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी हो सुन लीजिएगा, शायद चार नंबर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जो मैं लिखा रहा हूँ ना ये क्वेश्चन आंसर, इसी में से देखिएगा आपको, इसी में जब बोर्ड का पेपर देके आएंगे और इसी कापी से मिलाइएगा, इस नोट्स को बनाइएगा और इसी कापी से मिलाइएगा, इसी में से क्वेश्चन आपको दिखेंगे बोर्ड में। ये दावा है मेरा, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, इंडिया के लिए कितने लोगों ने क्यों छोड़ दिया, उस देश को क्यों छोड़ दिया, पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया लोगों ने, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो उसका आंसर होगा, आपको मैंने बता भी दिया था कि वहाँ पर धार्मिक की वजह से, धार्मिक कारणों की वजह से छोड़ दिया कि कहीं मार ना डाले जाए धार्मिक, चूंकि उस समय कई सिख थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, चूंकि क्या हुआ, पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बना, ये आपको पता होगा। तो मुस्लिम राष्ट्र जब बना तो वहाँ पे कुछ हिंदू थे, वो हिंदू जो हिंदू थे वो डर गए कहीं हमको मार न डालें, काट न डालें, पीट न डालें, इस वजह से उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को छोड़ दिया। तो आप इसको जनरली कह सकते हैं कि ये डर था, कहीं ना कहीं फियर था मारे जाने का और फैनेटिसिज्म का, है ना। तो ये मैंने पढ़ा रखा हुआ है आपको, क्योंकि कहानी पहले दिन मैंने बताया था कि अगर आपको कहानी क्लियर होगी तो क्वेश्चन और आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ में। तो अगला देखते हैं, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, लीव का मतलब होता है छोड़ना और लीव का मतलब होता है छुट्टी, दोनों अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं, इसका मतलब ये है कि करोड़ लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत में क्यों आए। तो मिलियंस ऑफ पीपल
क्वेश्चन वही आंसर वही होगा, बस मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इसमें इंग्लिश में लिख रहा हूँ। मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया। पाकिस्तान फॉर इंडिया। जरा हमको लगता है इंग डाल, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज का। इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन पार्टीशन लिखा हुआ नहीं भाई, सही लिखा हुआ पार्टीशन, नहीं नहीं ये गलत, ये सही। किताब में भी गलत कभी कभी क्या कर देते हैं, गलत लिख देते हैं। किताब में कभी कभी क्या कर देते हैं, गलत लिख देते हैं, तो उस पर ध्यान ना दीजिए। पार्टीशन एज दे फियर का मतलब क्या होता है, डरना। पर ये कौन सी फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। फियर रिलीजियस फैनेटिज्म, जैसे मैंने बताया कि आपका आंसर सेम होगा, रिलीजियस फैनेटिज्म फैनेटिज्म कहाँ गया भैया, फैनेटिज्म। सो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट, ये आंसर है भैया, ये आंसर है इसका। मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन एज दे फियर, फियर मतलब डरना, वो डर गए थे कि, क्यों डर गए थे, रिलीजियस फैनेटिसिज्म, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था वही रिलीजियस फैनेटिसिज्म। सो अभी यहाँ मैं हैंड्स को हटा दे रहा हूँ। So they pulled up their roots, pulled up T-H-E-I-R, their roots and changed their religion. इतना ही है, लिख लीजिए। अच्छा, एंड चेंज देयर रेजिडेंस। क्या लिखा हुआ है, मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया, क्यों छोड़ दिए थे, मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन एज दे फील रिलीजियस फैनेटिसिज्म, सो दे पुल्ड अप देयर रूट्स। ये नहीं समझाया होगा ना, पुल्ड अप देयर रूट्स, इसका मतलब क्या होता है, पुल्ड अप देयर रूट्स नहीं समझाया होगा ना, इसका मतलब होता है अपने घरों को छोड़ देना पूरे तरीके से, जहाँ पर रह रहे हो उसको छोड़ देना क्या कहलाता है, पुल्ड अप देयर रूट्स कहलाता है। अपने घर को छोड़ देना, अपने घर को संन्यास ले लेना, उसे क्या, संन्यास नहीं लेना, आप संन्यास तो गलत समझ लेंगे आप लोग, अपने घर को छोड़ देना, जो भी आप घर पर रहते हैं अपने घर को जैसा बना हुआ है उसको ऐसे छोड़ देना, उसे हम कहते हैं पुल्ड अप आवर रूट्स। ये उनके लिए यूज किया गया है इसलिए देयर लिखा है, पुल्ड अप आवर रूट्स मतलब अपने घर को छोड़ देना है, पुल्ड अप देयर रूट्स उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, उन्होंने अपने घर को, उन्होंने, ठीक है। मैं अपने घर को छोड़ूंगा तो लिखूंगा पुल्ड अप माई रूट्स, मैंने अपने घर को छोड़ दिया, तो देयर मतलब उन लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है। मिलियन ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन एज दे फियर्ड रिलीजियस फैनेटिसिज्म, सो दे पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब समझते हैं,
रेजिडेंस का मतलब होता है निवास। क्या आप बनवाते हैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं? निवास निवास जहाँ पर आप रहते हैं उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, उसे हम लोग कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, है ना, उसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रेजिडेंस सर्टिफिकेट, भाषा में निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अब आपको समझ आया कैसे याद रखना है इन सब चीज़ों को? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।